ग्राउंड जीरो के हीरोज का इस खास बुलेटिन में हमारे हीरोज आपको बताएंगे हर खबर की जमीनी हकीकत, वो भी सीधे ग्राउंड जीरो से। पवई तालाब में होने वाले प्रदूषण के चलते तालाब में रहने वाले मगरमच्छों, मछलियों और मेंढकों की जिंदगी दाव पर लग गई है, जिससे ग्रीन ट्रिब्यूनल ने गंभीरता से लिया है। ग्रीन ट्रिब्यूनल ने आईटी इलाके से तालाब में छोड़े जा रहे गंदे पानी को रोकने के निर्देश भी मुंबई महानगर पालिका को दिया है। मिली जानकारी के अनुसार ग्रीन ट्रिब्यूनल के सामने मुंबई महानगर पालिका ने अपना पक्ष रखते हुए कहा है कि उन्हें आईटी परिसर के भीतर जाने नहीं दिया जा रहा, जिसकी वजह से वह तालाब में हो रहे प्रदूषण को रोकने में खुद को असफल पा रहे हैं। ग्रीन ट्रिब्यूनल ने इस मामले में बीएमसी को कड़ी कार्रवाई करने और जरूरत पड़ने पर पुलिस की मदद लेने की भी बात कही है। ट्रिब्यूनल ने बीएमसी को फटकार लगाते हुए कहा कि कानून का उल्लंघन करने वाले के खिलाफ पालिका कानूनी कार्रवाई क्यों नहीं करती। आईआईटी की प्रॉपर्टी किसी शत्रु की प्रॉपर्टी नहीं है, जहां पर पालिका प्रवेश नहीं कर सकती। वह केंद्र सरकार की संस्था है और मुंबई के किसी भी इलाके में समय पड़ने पर बीएमसी को कब संवैधानिक अधिकार है कि वो वहां जा सकती है। इसके पूर्व बीएमसी द्वारा इस तालाब में केमिकल डालने को लेकर पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड भी बीएमसी को फटकार लगा चुकी है, जिसकी वजह से जल में रहने वाले मगरमच्छ, मेंढक, मछली जैसे कई जलचर का जीवन अस्त व्यस्त होता दिखाई दे रहा है। कंट्री के जंगलों में तब्दील होती जा रही मुंबई के पवई इलाके में यह पवई लेक हरी भरी पहाड़ियों के बीच मन को सुकून देती है, लेकिन आसपास के इलाकों की गंदगी और केमिकल से इस लेक में रहने वाले जलचरों की जिंदगी खतरे में पड़ गई है। पवई तालाब पर किसी न किसी बहाने बीएमसी पिछले 5 सालों में करीब 120 करोड़ रुपए खर्च कर चुकी है। अब इतने फटकार के बाद देखना है कि बीएमसी क्या कड़े कदम उठाती है। क्या बीएमसी इन सभी चीज़ों से लोगों को छुटकारा दे पाती है, या इसी तरीके से इन जलचरों को इसी गंदगी में अपना जीवन बिताना पड़ेगा। वीडियो जर्नलिस्ट बबलू राउत के साथ प्रेमलता मौर्य, न्यूज इंडिया, मुंबई। हाल ही में महाराष्ट्र की उद्धव ठाकरे सरकार ने मुंबई में तमाम दुकानों को जो उसके ऊपर बाहर बोर्ड लगे हुए थे उसे मराठी में करने का जो है फैसला किया था, लेकिन इसके बाद कई सारे लोग जो है इसके समर्थन में तो हैं, लेकिन फॉन्ट साइज को लेकर कई सारे इसके विरोध में हैं। हमारे साथ इस वक्त बातचीत करने के लिए फेडरेशन ऑफ वेलफेयर एसोसिएशन के प्रेसिडेंट वीरेन शाह इस वक्त मौजूद हैं। सर, जिस तरीके से जो महाराष्ट्र सरकार ने जो फरमान जारी किया कि नाम जो है दुकानों का वो मराठी में हो, आप लोगों ने एक्सेप्ट तो किया, लेकिन अब फॉन्ट साइज को लेकर जो है बवाल मचा है। आप कह रहे हैं कि कोर्ट ने इसमें पहले ही स्टे ऑर्डर रखा है, आप कोर्ट में जाएंगे, तो किस तरीके से चीजें देखते हैं? अगर इसी तरह से अगर फॉन्ट साइज को लेकर चलता रहा तो ये मामला कहाँ आगे जाएगा? देखिए, ये मामला 2001 का है। जब भी 2001 में रूल नंबर 20 में उनको चेंज करने की कोशिश की थी, तभी महानगर पालिका ने, और फॉन्ट साइज जो है मराठी में पहले होना चाहिए और दूसरे लैंग्वेज से बड़ा होना चाहिए। तो उसके लिए हम लोग ने कभी भी मराठी शब्द लिखा है उसके पर कभी ऑब्जेक्शन लिया नहीं है। हम सम्मान करते हैं क्योंकि हम महाराष्ट्र में रहते हैं, मुंबई में रहते हैं, मराठी तो लिखना ज़रूरी है। उसके लिए हमारा कभी भी ऑब्जेक्शन रहा नहीं था। हमारा जो ऑब्जेक्शन था वो फॉन्ट साइज़ के ऊपर था, और तभी 2001 में कांग्रेस और एनसीपी सरकार थी और बीएमसी में बीजेपी और शिवसेना थी। तो वो टाइम पे हमने कोर्ट में जो याचिका दायर की थी उसमें हमारे को फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के ऊपर हमारे को स्टे ऑर्डर दिया गया था, और वो चीज़ हमारा अभी भी कायम है। लेकिन अब जिस तरीके से कुछ लोग आपकी शोरूम के बाहर आए थे, अब उन्होंने पोस्टर लगाया, इसको किस तरह से देखते हैं? क्या इसमें कोई और पॉलिटिकल पार्टियां जो है अपना श्रेय लेने की कोशिश कर रही है, आपको लग रहा है? देखिए, ये जो मामला था तभी मनसे वाले ने काफ़ी सारा हंगामा किया था 2008 और 2009 में, और काफ़ी सारी तोड़फोड़ की थी। उसके बाद में अभी ये शिवसेना ने कैबिनेट में ये पास किया है, तो मेरे ख्याल से जो ये पोस्टर लगा था वो शिवसेना जी ने एक मैसेज के लिए लगाया था कि एक मराठी का पार्टियां लगना चाहिए, लेकिन रात को फिर उनको उन्होंने उन्हीं की पार्टी के वर्कर ने वो निकाल दिया। लेकिन इसके साथ साथ में काफ़ी सारे हेट कैंपेन चालू हुए हैं मेरे खिलाफ, स्पेशली सोशल मीडिया में, फेसबुक में, और लोग लैंडलाइन पे तरह तरह के फ़ोन आते हैं। वही चीज़ 2008-09 में हुई थी हमारे खिलाफ, मनसे ने वो टाइम पे, अब दोबारा हो रही है वो, ये अभी दोबारा हो रही है। अभी शायद काफ़ी जो दोनों मनसे और शिवसेना के जो पार्टी वर्कर है वो दोनों शायद अभी यही सोच के चले होंगे
कि हमारा कैंपेन है, हमारा कैंपेन है, वो हिसाब से उसमें हम व्यापारी वर्ग उसमें पीस रहे हैं। बिल्कुल, ये थे हमारे साथ वीरेंद्र शाह, जिनका साफ तौर पर कहना है कि अब ये मामला जो है वो कोर्ट में जाएगा और वहीं से जिस तरह से इन्होंने कहा फ्रीडम ऑफ स्पीच यानी अपनी अभिव्यक्ति की आज़ादी जो इन्होंने 2001 से इस मामले पे स्टे ऑर्डर लेकर रखा है, अब इसमें देखना होगा कि क्या महाराष्ट्र की उद्धव ठाकरे सरकार इसे चैलेंज करती है, क्या फिर से मुंबई शहर में तमाम जो दुकानदार हैं वो अपने दुकानों के नाम पर मराठी फॉन्ट का इस्तेमाल करेंगे यानी मराठी में नाम रखेंगे, अब ये देखने वाली बात होगी। कैमरा नवाज शेख के साथ शिवम पांडे, न्यूज इंडिया, मुंबई। अखिलेश यादव और चंद्रशेखर रावण के बीच बात क्यों नहीं बनी, इसकी वजह आज अखिलेश यादव ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताई। अखिलेश ने कहा कि चंद्रशेखर रावण के कहने पर उन्हें 2 सीटें दे दी गई थी। कल उनकी जो बात हुई उसमें 2 सीटें वो चंद्रशेखर रावण को देने के लिए तैयार थे, लेकिन इसी बीच अचानक चंद्रशेखर रावण के पास कहीं से एक फोन आया, वो फोन करने के लिए बाहर गए और फिर उन्होंने कहा कि नहीं, मैं अकेले लड़ूंगा। ये कहा है अखिलेश यादव ने चंद्रशेखर रावण के उस आरोप के बारे में जिसमें उन्होंने ये कहा था कि अखिलेश यादव ने उन्हें मन मुताबिक सीटें नहीं दी और अपमान किया कई बार बुला करके। अखिलेश यादव का कहना है कि खुद चंद्रशेखर रावण ने बाहर से किसी के फोन आने के बाद ये कह दिया कि वो अकेले लड़ना चाहते हैं। अखिलेश यादव ने आज अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह भी कहा कि गोरखपुर से लड़ने जा रहे योगी आदित्यनाथ, इसका मतलब ये है कि पार्टी ने उनको पहले से ही गोरखपुर भेज दिया है। जहां तक सूचियों की बात है तो अखिलेश यादव ने कहा कि हो सकता है लिस्ट ना भी आए, फॉर्म ए और बी प्रत्याशियों को सीधे भेज दिया जाएगा। कोविड प्रोटोकॉल को लेकर के जो FIR समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं के ऊपर कल गौतमपल्ली थाने में लिखी गई थी, उसके बारे में अखिलेश यादव ने यह कहा है कि उन्हें नहीं पता था कि कार्यालय के अंदर भी अगर कुछ लोगों से बातचीत की जाए तो वो भी धारा 144 के उल्लंघन में आता है। उन्होंने कहा कि आगे से इसका ध्यान रखा जाएगा। बहरहाल अखिलेश यादव ने आज अपने कार्यकर्ताओं से अपील की है कि वो कोविड प्रोटोकॉल का ध्यान रखें, कोई भी ऐसी गाइडलाइन का उल्लंघन ना करें जिससे वो किसी मुसीबत में या पार्टी किसी समस्या में फंस जाए। तो अब आगे का जो प्रचार होगा वो कोविड गाइडलाइन के हिसाब से और वर्चुअली तरीके से समाजवादी पार्टी का प्रचार होगा, इस बात का निवेदन, इस बात की अपील अखिलेश यादव ने अपने कार्यकर्ताओं से भी की है। विवेक तिवारी, न्यूज इंडिया, लखनऊ। बीदर सतारा कंटू में वादी कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में एक ऑर्डिनेंस सर्च ऑपरेशन चलाने के बाद सिक्योरिटी फोर्सेस ये दावा कर रही है कि उन्होंने 5 ओवर ग्राउंड वर्कर्स जिनका जो है संबंध लश्कर ए तैयबा मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन से बताया जा रहा है। आपको बता दें कि कल देर गए जैनापुरा इलाका जो दक्षिणी कश्मीर के शोपियान डिस्ट्रिक्ट में आता है वहाँ पर सिक्योरिटी फोर्सेज का दावा है कि वहाँ उन्होंने 2 ओवर ग्राउंड वर्कर्स जो लश्कर ए तैयबा के साथ वाबस्तगी रखते थे उनको दबोच लिया और उनके यहाँ से काफ़ी मकदार में असला व बारूद जो है बरामद किया। और इस कामयाबी के साथ साथ शोपियां पुलिस और जो है आर्मी ये बता रही है कि लश्कर के ठिकानों तक पहुंचने का ज़रिया ये बहुत बढ़िया बन सकता है। आज सुबह सवेरे ही सुपर पुलिस का दावा है कि उन्होंने एक कोऑर्डिनेट सर्च ऑपरेशन एक इलाके में जो है मिलिट्रेंट छुपे बैठे थे लेकिन मिलिटेंट भागने में कामयाब हो गए और वहाँ से जो है उन्होंने 3 मिलिटेंट एसोसिएट्स यानी OGWs को पकड़ाया और उनके यहाँ से काफ़ी मकदार में असला बारूद जो है बरामद किया हुआ है। आपको बता दें कि ऑपरेशन ऑल आउट बहुत ज़्यादा तेज़ी से यहाँ पे चलाया जा रहा है। अभी तक कई सारे मिलिटेंट जो है मारे जा चुके हैं जिनमें तादाद जो है ज़्यादातर फॉरेन मिलिटेंट्स की बताई जा रही है और वो फॉरेन मिलिटेंट्स जैश ए मोहम्मद मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन से वाबस्तगी रखते हैं। फिलहाल कई जगहों पे छापामार कार्रवाई अभी भी चल रही है। इन OGWs का नेटवर्क पर्दाफाश करने के लिए सिक्योरिटी फोर्सेस जो है बड़ी मुस्तैदी से और चाकू चौबंद से ये कॉर्डिनेट सर्च ऑपरेशन चला रहे हैं। आज बसपा सुप्रीमो मायावती का जन्मदिन था और इस जन्मदिन के अवसर पर उन्होंने अपने 53 प्रत्याशियों की लिस्ट भी जारी की। ये वो 53 प्रत्याशी हैं जो पहले फेज में चुनाव होना है। पश्चिम उत्तर प्रदेश के 53 सीटों की प्रत्याशी आज मायावती ने जारी कर दी और ये सूची उन्होंने खुद अपने हाथ से जारी की अपने जन्मदिन के अवसर पर। अब पहले फेज में अगर हम बात करें तो 58 सीटें हैं, 58 सीटों में 53 लोगों की लिस्ट फाइनल हो गया है। इसके अलावा आज मायावती ने स्वामी प्रसाद मौर्य पर भी जमकर हमला किया। मायावती ने स्वामी प्रसाद मौर्य को कहा कि वो जब बसपा में थे तब उनकी हैसियत बनी और उसके बाद उन्होंने बीजेपी से भी जिस तरह से किनारा किया बीजेपी भी उन्हें ढो रही थी, अब वो समाजवादी पार्टी में आ गए हैं, उनकी जो भी हैसियत है वो बसपा की दी हुई है। इसके अलावा मायावती ने एक बात और कही। मायावती ने कहा कि वो अपने भतीजे को लेकर काफ़ी सक्रिय हैं,
उन्होंने कहा कि कई लोग आरोप लगाते हैं कि उनके जो भतीजे हैं वो पार्टी में काफ़ी आगे जा रहे हैं। मायावती ने साफ कहा कि अगर यही स्थिति रही तो वो अपने भतीजे को और आगे बढ़ाएंगी। इसके साथ ही सतीश मिश्रा के बेटे कपिल मिश्रा का नाम भी मायावती ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान लिया। मायावती ने विपक्षियों पर और ख़ास तौर पर समाजवादी पार्टी पर जमकर हमला बोला और कहा कि लोगों को इस पार्टी से सावधान रहने की ज़रूरत है। कैमरामैन राज बिष्ट के साथ नीरज मिश्रा, न्यूज़ इंडिया, लखनऊ। किसान आंदोलन के खत्म होने के बाद से किसानों की बहुत सी मांगे थीं जिन मांगों को केंद्र सरकार ने मान लिया था, लेकिन उसके बाद आज संयुक्त किसान मोर्चा एक बैठक कर रहा है। दरअसल जो ये बैठक हो रही है ये सिंघू बॉर्डर पे ही चल रही है और किसानों की जो अपनी राय है वो इस बैठक में किसान रख रहे हैं। दरअसल किसान आंदोलन के समय तकरीबन 700 जो किसान थे वो शहीद हुए थे। किसानों ने सरकार से कहा था कि उनको जो शहादत का दर्जा है वो दिया जाए और उनके परिवार को आर्थिक मदद दी जाए। हालांकि किसानों के ऊपर जो लगातार मुकदमे चल रहे थे उन मुकदमों पर भी किसानों का यही कहना है कि अभी भी बहुत सारे किसान भाई ऐसे हैं जिनके ऊपर से मुकदमे वापस नहीं लिए गए हैं। हालांकि किसान संगठनों की अगर बात करें, संयुक्त किसान मोर्चा के बैनर तले तकरीबन 100 से ज़्यादा संगठनों को एक साथ पहली बार सिंघू बॉर्डर पर देखा गया था। आज जब इस बैठक की शुरुआत हुई तो इस बैठक में राकेश टिकैत, योगेंद्र यादव समेत तमाम बड़े चेहरे जरूर दिखाई दिए। इसके अलावा 65 किसान संगठन आज इस SKM की बैठक में मौजूद हैं और इस बैठक का उद्देश्य यही है कि किसान अपनी अपनी बातों को रणनीतिबद्ध तरीके से अब सरकार के सामने एक बार फिर से रखेंगे कि जिन मांगों पर विचार विमर्श नहीं किया गया है सरकार उन्हें जल्द जो है वो स्वीकार करे। हालांकि इस बीच 5 राज्यों में चुनाव भी होने हैं जिसे लेकर के ये कयास लगाया जा रहा है कि इस बैठक का कोई राजनीतिक उद्देश्य तो नहीं है। कैमरामैन उपेंद्र के साथ गौरव मिश्रा, न्यूज़ इंडिया, दिल्ली। समाजवादी पार्टी पंजाब में भी विधानसभा चुनाव लड़ना चाहती है और हमारे साथ कुलदीप सिंह भुल्लर साहब हैं जो पंजाब चंडीगढ़ के प्रभारी हैं समाजवादी पार्टी के। भुल्लर साहब आपका स्वागत है, कब आए लखनऊ आप? नहीं, हम लोग कल आए थे और मैं यहीं पीलीभीत का रहने वाला हूं और मुझे माननीय जी ने पंजाब और चंडीगढ़ की जिम्मेदारी दी है और पंजाब में भी हम विधानसभा चुनाव लड़ने जा रहे हैं और आज सीटों पर कई दलों से, हमारी छोटे दलों से बात भी हो रही है, किसानों से भी हमारी बातचीत चल रही है। तो आज कितनी सीटों पर लड़ेंगे ये माने जी आज तय करेंगे। फिर भी आपकी तैयारी कितनी की है? हमारी 67 सीटों पर तैयारी है। अकेले या अलायंस के साथ? अकेले अकेले। वहाँ संयुक्त किसान मोर्चा भी इलेक्शन लड़ रहा है तो क्या उसके साथ किसी तरह का अलायंस होने की बात है? पहले आम आदमी पार्टी के साथ चर्चा थी, फिर वो शायद मैच्योर नहीं हुआ। नहीं, हमारी उनसे बातचीत चल रही है। जो डॉक्टर स्वाभिमान सिंह हैं जो संयुक्त किसान मोर्चे के जो मेन लीडर थे उनसे हमारी कई दौर की बात हुई है और संभवतः हम उनको भी सपोर्ट करेंगे वहाँ पर। अच्छा, वो कितने सीटों पर लड़ रहे हैं? वो तो लगभग सभी मिलकर के सभी सीटों पर लड़ रहे हैं चुनाव, लेकिन अभी हमारी फाइनल उनसे कुछ हुआ नहीं है तो आज माननीय जी से बात करके जो रणनीति, जो आदेश होगा माननीय जी का उसके अकॉर्डिंग हम लोग पंजाब में जाकर के उन लोगों से बातचीत करेंगे। वहाँ अभी एक अलायंस तो BSP का है अकाली दल के साथ, जी जी। एक आम आदमी पार्टी लड़ रही है, एक कांग्रेस पार्टी भी लड़ रही है, अब कैप्टन अमरिंदर सिंह की भी पार्टी है, तो वहाँ तो बहुत सारे पोल्स हैं, तो उसमें समाजवादी पार्टी की क्या जगह बन रही है? देखिए, समाजवादी पार्टी का बहुत वोट बैंक है वहाँ पर, समाजवादी पार्टी को लोग बहुत पसंद कर रहे हैं, माननीय अखिलेश यादव जी को लोग वहाँ बहुत चाहते हैं और माननीय जी का कार्यक्रम भी वहाँ लग चुका था, 8 और 9 तारीख का कार्यक्रम था पिछले दिन, लेकिन वो फिर किन्हीं कारणों से रद्द हो गया। अब माननीय जी वहाँ इसी चुनाव के बीच में अमृतसर माथा टेकने और दर्शन करने के लिए और सभी लोगों से मिलने के लिए वहाँ पहुँचेंगे। जिन सीटों पर आप नहीं लड़ेंगे उस पर आप संयुक्त किसान मोर्चा को सपोर्ट करेंगे? बिल्कुल, वहाँ हम किसानों को समर्थन करेंगे। थैंक यू। तो ये कुलदीप सिंह भुल्लर जो पंजाब और चंडीगढ़ के समाजवादी पार्टी के प्रभारी हैं। समाजवादी पार्टी ने जो रणनीति पंजाब चुनाव के लिए लड़ाई बनाई है उसमें 67 सीटों पर तकरीबन लड़ने की तैयारी है और इसके अलावा जिन सीटों पर समाजवादी पार्टी और उसके साथ जो भी दल साथ में आएंगे वो नहीं लड़ रहे हैं उन सीटों पर संयुक्त किसान मोर्चे के द्वारा जो लड़ाई लड़ी जा रही है पॉलिटिकल, उसको ये लोग, समाजवादी पार्टी समर्थन करेगी। विवेक तिवारी, न्यूज इंडिया, लखनऊ। पंजाब में भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता मदन मोहन मित्तल इस वक्त हमारे साथ हैं। मित्तल साहब, मंथन हो चुका है, अब उम्मीद की जा रही है कि भारतीय जनता पार्टी भी जल्द ही अपनी लिस्ट जो है वो जारी कर देगी उम्मीदवार। देखिए, हमारी पार्टी में
जो भी नाम आते हैं सबके ऊपर चर्चा होती है, सबके मेरिट देखे जाते हैं और जो असली फाइनल वो होता है जो मेरिट पे आता है। तो इसलिए मुझे लगता है कि बहुत जल्दी अब सूची जारी हो जाएगी। कांग्रेस ने 86 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की है, हालांकि काफ़ी ज़्यादा ये कहें कि कलह जो है वो देखने को मिली क्योंकि 3 दिनों से लगातार मंथन चल रहा था। नवजोत सिंह सिद्धू का नाम भी आ गया है, चरणजीत सिंह चन्नी का नाम भी आ गया, तमाम वो बड़े नाम तकरीबन इसमें आ गए हैं। तो आप किस तरह से भारतीय जनता पार्टी इन उम्मीदवारों को देखेगी और क्या अब रणनीति जो है उम्मीदवारों को उतारने की उसमें आसानी रहेगी भारतीय जनता पार्टी? हमें कोई दिक्कत नहीं है, हमारे जो कैंडिडेट हैं, जो नए लोग आए हैं वो भी, जो पुराने वो भी, उनको सबको पता है कि यहाँ कोई देन देन नहीं होता, कुछ नहीं होता। यहाँ तो जो मेरिट पे जिसका मेरिट आएगा उसको टिकट। हालात सर क्या देख रहे हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफिला जो है वो उस वो वाला विवाद भी है और कहीं ना कहीं जो लगातार एक खास तौर पर विस्फोटक सामग्री जो है पंजाब में RDX कल भी बरामद हुआ, परसों भी बरामद हुआ, तो सुरक्षा के लिहाज से किस तरह से देखते हैं, क्या अतिरिक्त सुरक्षा की जरूरत है पंजाब में चुनावों के? पंजाब में सबसे बड़ा मुद्दा सुरक्षा का है, क्योंकि हमारी बॉर्डर स्टेट है, पाकिस्तान लगातार कोई ना कोई शरारत करता है, पाकिस्तान में कुछ ऐसे लोग रहते हैं जो पंजाब में अमन नहीं चाहते। इसलिए भारतीय जनता पार्टी और उनके जो साथी हमारे हैं वो टीम पंजाब को सिर्फ सुरक्षा की गारंटी दे सकती है, और हम पहले भी लड़ते रहे, आतंकवाद में भी हमने आगे कतार में होकर लड़ाई लड़ी है, तो इसलिए हम हर की हमें पार्टी बाद में है। कानपुर नगर के नए कमिश्नर विजय कुमार बनर्जी ने इस कारोबार संभाल लिया है और ये 996 बैक्स के आप IPS हैं, काफ़ी तेज तर्रार बताए जाते हैं। आइए बात करते हैं, साथ में हमारे वो हैं, आइए बात करते हैं कि कैसे कानपुर की क्राइम को रोकेंगे और जो चुनाव का माहौल है कैसे संपन्न कराएंगे। सर पहला सवाल तो ये है कि जो कानपुर का क्राइम ग्राफ है जी, उसको कैसे कम करेंगे? क्या देखिए, मेरे द्वारा कल चार्ज अपग्रहण किया गया, तभी वरिष्ठ अधिकारियों की मेरे द्वारा मीटिंग की गई और उनको निर्देशित भी कर दिया गया कि जितनी भी जो हमारी लंबित विवेचना है, जितने हमारे वांटेड चल रहे हैं, उन पे एक अभियान चलाकर गिरफ्तारी भी करना सुनिश्चित करें। कल रात को भी एक अभियान चलाया था जिसमें NBW के अगेंस्ट जो वांटेड थे उनके खिलाफ चलाया था और करीब 22 लोगों के आसपास लोगों को कल पकड़ा गया। ये एक तो अनवरत जारी रहेगा, साथ ही साथ चुनाव के दृष्टिगत भी हम लोगों को आइडेंटिफाई कर रहे हैं, आपराधिक छवि लोगों को आइडेंटिफाई कर रहे हैं, जो माहौल को ख़राब कर सकते हैं उनको आइडेंटिफाई कर रहे हैं, उन पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। पूर्व में जो मुकदमे पंजीकृत हुए हैं पूर्व के चुनावों में, उनको देखा जा रहा है वो लोग वर्तमान में क्या कर रहे हैं और एक मैसेज क्लियर कर दिया जा रहा है जिससे कि ये सुनिश्चित करें कि चुनाव सकुशल सम्पन्न हो और कहीं पर किसी प्रकार की कोई घटना ना हो। जैसा कि चुनाव आयोग ने जो गाइडलाइन दी हुई है कि कहीं पे भी चालू इकट्ठा ना हो, कहीं एक रैली का आयोजन ना हो, ना ही कहीं मीटिंग हो, तो इसके लिए क्या दिशा निर्देश दिया आपने अपने विभाग? देखिए, जो भी चुनाव आयोग के निर्देश हैं उनका पूर्णतः पालन किया जाएगा और उसको फॉलो किया जाएगा। जैसा कि आपने सुना कि कमिश्नर साहब का कहना साफ तौर से है कि जो चुनाव आयोग की गाइडलाइन है उसके अनुसार गाइडलाइन को फॉलो कराया जाएगा और कहीं पर भी कोई रैली या कुछ होता है तो उसके खिलाफ जो भी चुनाव आयोग की गाइडलाइन उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी या फिर परमिशन जो दी जाती हो वो दी जाएगी और कहीं ना कहीं जो क्राइम ग्राफ बढ़ रहा है या पिछली घटनाओं का जो भी मुकदमे दर्ज हुए हैं उनको फॉलोअप किया जाएगा। कैमरा पर्सन सलमान हैदर के साथ मैं रवि शर्मा, न्यूज़ इंडिया, कानपुर।